दोस्तों हमारे चैनल घरेलू नुस्खे को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों लौंग और काली मिर्च का सेवन एक मसाले के रूप में किया जाता है जो खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ साथ सेहत को भी कई लाभ पहुंचाते हैं। जी हाँ, क्योंकि दोनों ही मसाले औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आप लौंग और काली मिर्च पाउडर का गुनगुने पानी के साथ सेवन करते हैं तो यह सेहत को ज़्यादा लाभ पहुंचाते हैं। लौंग और काली मिर्च पाउडर का गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं से छुटकारा मिलता है, क्योंकि लौंग में प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो वहीं काली मिर्च में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन B6, थायमीन, नियासीन, सोडियम, पोटेशियम जैसे गुण पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। आइए जानते हैं गुनगुने पानी के साथ लौंग और काली मिर्च पाउडर खाने के फायदों के बारे में। सर्दी खांसी में फ़ायदेमंद। सर्दी खांसी की समस्या एक आम समस्या है, लेकिन सर्दी खांसी की शिकायत होने पर अगर आप लौंग और काली मिर्च का पाउडर गुनगुने पानी के साथ सेवन करते हैं तो इससे सर्दी खांसी की समस्या से छुटकारा मिलता है। वजन कम करने में मददगार। अगर आप अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं और वजन कम करना चाहते हैं तो आपको लौंग और काली मिर्च पाउडर का गुनगुने पानी के साथ सेवन करना चाहिए, क्योंकि इस मिश्रण का सेवन करने से वजन कम करने में फ़ायदा मिलता है, पाचन तंत्र होता है मजबूत। लौंग और काली मिर्च पाउडर का गुनगुने पानी के साथ सेवन पेट के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इस मिश्रण में फाइबर पाया जाता है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और पाचन संबंधी कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। श्वसन संबंधी समस्या होती है दूर। श्वसन संबंधी समस्या होने पर लौंग और काली मिर्च का सेवन फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि लौंग और काली मिर्च की तासीर गर्म होती है। साथ ही इस मिश्रण का सेवन खांसी के साथ आने वाले बलगम की समस्या को दूर करने में भी मददगार साबित होता है। इम्यूनिटी होती है मजबूत। लौंग और काली मिर्च पाउडर औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, इसलिए अगर आप इस मिश्रण का गुनगुने पानी के साथ सेवन करते हैं तो इससे इम्यूनिटी मजबूत होती है, जिससे आप वायरस और बैक्टीरिया की चपेट में आने से बच सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।